साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों एक मैंने यार सिस्टम थोड़ा सा प्लान किया है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि यार कम से कम इंडिया में 1 करोड़, मैंने जहां तक गणित लगाई है, 1 करोड़ पॉपुलेशन गल्फ कंट्री में रहती है। जी हां साथियों, दुबई, सऊदी, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक, कुवैत, ठीक है, बाकी मलेशिया थोड़े बहुत मान लीजिए, 6-7 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। और वहां जाने वाले कौन होते हैं? लगभग 80% लेबर आदमी यानी मजदूर मान लीजिए। और अपना तो भैया चैनल भी वैसे ही लोगों का इसके लिए बना हुआ है, इसीलिए ये गलत कमेंट सुनने को पड़ते हैं, क्योंकि एजुकेटेड बंदा गलत बातें नहीं करता, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो अपनी दिमाग ज्यादा लगाते थे, ठीक है। तो मैंने अभी ये सोच रहा हूँ कि यार क्यों नहीं ज्यादा लफड़े में नहीं जाके अपन ये 6-7 कंट्रियां हैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाए, क्योंकि आपको सही गाइड मिले, सही रास्ता दिखे, जो भी मेरे पास नॉलेज होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। 6-7 कंट्रियों में 1 करोड़ पॉपुलेशन रहती है और हर रोज जाते ही हैं, मेरे हिसाब से खूब लोग जाते हैं, महीने के मेरे हिसाब से 10-15 हजार आदमी गल्फ में मुझे लग रहा है कि निकलते हैं इंडिया से, वापस भी आते हैं जाते हैं, रूटीन में सिस्टम चलता रहता है। तो मैं बात बता दूं कि दुबई कंट्री है, कुछ कौन सी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, क्या वहां की करेंसी का है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दुबई में लगभग 30 लाख प्लस आदमी इंडियन लोग रहते हैं वर्क परमिट वीजा पे, जो जॉब, नौकरी और बिजनेस करते हैं। करेंसी की बात करें तो वहां पे दरहम चलता है, 19-20 का भाव रहता है, आप सब लोगों को पता है। सेकंड ऑप्शन आता है दुबई का। दुबई में इंडिया के 26 लाख वर्कर हैं जो जॉब करते हैं अपने हिसाब से, कोई बिजनेस वगैरह थोड़ा बहुत, बाकी जॉब लेबर कैटेगरी से रिलेटेड है 80%। वहां पे सऊदी रियाल चलता है जो 19 प्लस का भाव चलता है, यानी वहां के 1 रियाल का इंडिया में 19 रुपए बनता है। अब बात कर लें थर्ड पे कुवैत का। अब कुवैत की बात करें तो साथियों लगभग, मैं एवरेज बता रहा हूं, 15 लाख लोगों के करीब इंडियन लोग कुवैत में रहते हैं, ठीक है। और वहां पे दिनार, कुवैती दिनार चलता है, वहां पे 1 दिनार का इंडियन 236 रुपए। आज से मैंने 2-4-5 महीने पहले वीडियो बनाया था, 225 बन रहा था, अभी 236 हो गया, यानी बढ़ रही है करेंसी, कुवैत की करेंसी सबसे हाई है, ठीक है। आगे चौथे नंबर पे बात करते हैं कतर। कतर में अपने इंडियन लोग लगभग 15 लाख के करीब आसपास लगभग रहते हैं, और वहां पे कतर की रियाल चलती है, वहां पे 19 प्लस का भाव रहता है, ठीक है। पांचवें नंबर पे है बहरीन। बहरीन में इंडिया के 8-10 लाख वर्कर इंडिया के वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे चलती है बहरीन दिनार। जी हाँ साथियों, 1 दिनार का 190 रुपए इंडियन रुपीज अभी की कंडीशन में बन रहा है आज की डेट में। छठे नंबर पे बात करेंगे ओमान, मस्कत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, मस्कत में भी एवरेज यही है, 8-10 लाख आदमी इंडिया के वर्क परमिट पे रहते हैं। ओमान में करेंसी ओमानी रियाल है, वहां की 1 रियाल इंडिया का 186 रुपए बनता है। सातवें नंबर पे बात करेंगे साथियों मलेशिया से रिलेटेड। मलेशिया का तो भैया आपको पता ही है कि कंट्री भी अलग है, वहां के लोग शासन भी अलग ही सिस्टम चलता है, तो मलेशिया में कोई ज्यादा इंडियन लोग नहीं रहते हैं, मलेशिया के साथ इतना इंडियन लोगों का टाइप है नहीं, पोम ऑयल वगैरह में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से 2-3 लाख आदमी, मेरे अंदाज बता रहा हूं मैं, बाकी फाइनल नहीं है, 2-3 लाख वर्कर इंडिया के मलेशिया में रहते हैं, और करेंसी कम, सबसे कम डाउन है, 1 रिंगिट RM का इंडियन रुपीज 17 रुपए बन रहा है। तो ये 7 कंट्रियों से रिलेटेड आने वाले टाइम पे मैं धीरे धीरे जो वैकेंसी, धीरे धीरे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं और लेबर कैटेगरी के लोग यहीं रहते हैं, इसलिए उनको वीडियो डालना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को सही गाइड, सही मोटिवेशन मिल सके। भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाले तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो अपने आप ही चले जाएंगे, उनकी तो अपने को टेंशन ही नहीं है, ठीक है साथियों। तो इसी से रिलेटेड अपने आने वाले वीडियो पे आएंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं आंसर वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज आने वाले टॉपिक पे आपको सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।